राधा रानी पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने की ऐसी टिप्पणी कि गुस्से में लाल हुए प्रेमानंद जी महाराज और बहुत कुछ बोल दिया उन्होंने इनको। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मुख्य चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। राधा रानी पर हाल ही में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के विवादास्पद टिप्पणी से प्रेमानंद जी महाराज काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए हैं। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा को कहा है कि तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। प्रेमानंद जी महाराज इतना ज़्यादा गुस्सा है कि उन्होंने ये तक कह दिया कि हमें गाली दो तो चलेगा, लेकिन तुम हमारे ईष्ट, हमारे गुरु, हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे, उनका अपमान करोगे, अवहेलना करोगे तो हमें बर्दाश्त नहीं है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम स्वयं को न्योछावर कर देंगे, तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने एक कथा के दौरान कहा कि राधा रानी जी बरसाना नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी। बरसाने में उनके पिता की कचहरी थी, वहां पर वो साल में एक बार जाती थी। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों में राधा का नाम नहीं है, उनके पति में श्री कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम जटिला और ननद कुटिला थी। छात्रा गांव में राधा जी की शादी हुई थी। पंडित प्रदीप मिश्रा की इस टिप्पणी के बाद से ही राधा रानी के प्रेम रस में डूबे रहने वाले संत समाज क्रोधित हो गए हैं। इस टिप्पणी के बाद प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा प्रदीप मिश्रा पर फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि 2-4 श्लोक पढ़ क्या लिए कथावाचक हो गए, तुम्हें पता ही क्या है लाडली जी के बारे में, तुम जानते ही क्या हो। अगर तुम किसी संत के चरण रज का पान करके बात करते तो तुम्हारे मुख से कभी ऐसी वाणी नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु ने अनुराग प्रकट करने के लिए स्वयं में और जो सुने उसे भगवान में श्रद्धा हो जाए। जो मेरी लाडली जी के बारे में एक भी बात नहीं जानता हो उसे उनके बारे में बोलने का अधिकार ही क्या है, क्या जानता है उनके बारे में। श्री जी हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं और वो हम में रहती हैं। अगर तुमको जानकारी करनी है कि श्री जी क्या है तो मेरी आँखों में आँखें मिलाकर देख कि श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि जो परम रस है, जैसा वेद कहते हैं, राधा और श्री कृष्ण जी अलग नहीं हैं, वो हद कह कर बोल रहा है, तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझा करके भगवताचार्य बन रहा है तू। प्रभु के प्रति बोले, तू ही बोला था द्वारकाधीश के प्रति, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। जिसका यश का गान करके जीता है, जिसका यश खाता है, जिसका यश गाकर तुझे नमस्कार और प्रणाम मिलता है, जिसकी मर्यादा को तू नहीं जानता है, किस बात का प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। चराचर जगत में देखने वाले भगवान महाभागवत कहे जाते हैं और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान की निंदा करता है, श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं कि वो इस बरसाने में नहीं है, अभी सामना पड़ा नहीं संतों से। तू 4 लोगों को घेर कर उनसे पैर पुछवाता है तो समझ लिया कि तू बड़ा भागवताचार्य है। श्री जी को तू जान जाएगा, जो ब्रह्मा शंकर के ध्यान में भी नहीं आने वाली हैं, वो हमारी लाडली जी हैं। रही बात श्री जी बरसाने की है या नहीं, तो तुमने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया है, अभी तो रस ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ है। 4 श्लोक पढ़ क्या लिए भागवत प्रवक्ता बन गए, तुम नरक जाओगे, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूँ। प्रेमानंद जी महाराज इतना गुस्सा है कि उन्होंने ये तक कह दिया कि हमें गाली दे दोगे तो चलेगा, लेकिन हमारे ईष्ट, हमारे गुरु, हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे, उनका अपमान करोगे, अवहेलना करोगे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये नहीं समझा जाए कि भगवान के भक्तों में शक्ति नहीं है। अनंत शक्ति संपन्न भगवान का दासत्व स्वीकार किए, पर वो एक मार्ग है जहाँ एक शर्त रखी गई कि किसी भी शक्ति या सिद्धि का प्रयोग किया तो इस मार्ग से हट जाओगे। इसीलिए चुप मिट भले जाएं, गाली भले खा ले, सब कुछ सहकर सीधे प्रभु के प्राप्ति के मार्ग पर
चलते हैं। जी हाँ, प्रेमानंद जी महाराज ने ये सब कुछ कहा है। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।